हेलो गाइस, वेल्थ एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए चार ब्रेकआउट स्टॉक लेके आया हूँ, जो आप कल कल यानी कि 14 जून 2023 को अगर वो लेवल के आसपास मिलते हैं तो आप उसमें एंट्री कर सकते हो। तो उससे पहले आपने जो 13 जून के ट्रेड दिए थे उसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं। तो गाइज, अपना पहला स्टॉक था फोर्स मोटर, जो आपको बोला था कि आपको बाय करना है, 1 से 3 दिन में 2300 का टारगेट दिखा सकता है। तो आज ये स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई, 2152 ओपन प्राइस पे ही बाय बोला था। 2152 वाला स्टॉक 2250 का भी हाई मारा था, अभी 2226 पे रनिंग है, तो उसमें आराम से टारगेट कल या परसों 2300 का टारगेट अच्छी हो सकते हैं। दूसरा स्टॉक था गुडियर, जो बोला था कि 1205 के ऊपर बाय करना है। स्टॉक ऊपर भी गया था, 1218 जितना गया था, अभी क्लोजिंग 1205 पे है। तो उसका ये मतलब नहीं हो गया कि स्टॉक वीक हो गया, क्योंकि जब तक आपका स्टॉप लॉस होता नहीं तब तक आप ट्रेड में बने रह सकते हो। तो 1200 पे तो वो भी रनिंग ट्रेड है। उसके बाद दीपक नाइट्रेट, जो ब्रेकआउट एंड रिट्रेस हो चुका था, तो 2045 के ऊपर बाय बोला था, इसीलिए अपने 2045.1 पे बाय लिखा है। 2070 के आसपास क्लोजिंग है, तो वो स्टॉक ने भी बहुत अच्छा रैली दिखाई, लेकिन उसमें अभी अपना टारगेट आया नहीं, इसलिए रनिंग लिखा हुआ है। एमआरपीएल भी क्या था, 65.8 के ऊपर बाय था, यानी कि आपको क्या बोला है कि 10 पैसा ऊपर जाएगा तभी अपना कॉल एक्टिव होगा। तो 65.9 एग्जैक्ट आज का हाई देखोगे एमआरपीएल का, तो आज का हाई ये ही है, तो इसलिए आपने काउंट किया कि एक्टिव हो गया है। अभी 65.60 या 65.50 के आसपास है, तो वो भी रनिंग में चल रहा है। तो इसमें से फोर्स मोटर और दीपक नाइट्रेट ने अच्छी रैली दिखाई, और ये स्टॉक कल अच्छी रैली दिखा सकते हैं। तो ये आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, 1205 वाला स्टॉक अभी 1200 के आसपास ही है, तो कल का वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे आपको स्टॉप लॉस पता चल जाएगा। तो आपको सस्ते में मिले तो ये स्टॉक भी आप बाय कर सकते हो। तो अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा जो आप कल पोजिशन बना के रख सकते हो। उससे पहले गाइस, अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेड लेने के बाद आपको फॉलोअप भी मिलता रहेगा कि उसको प्रॉपर होल्ड करना है कि नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है पेशेंस रखते नहीं और जल्दी जल्दी वो निकल जाते हैं, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर पाते, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो आप प्रीमियम टेलीग्राम चैनल लोगे तो आपको यहाँ पे फॉलोअप भी मिलता रहेगा, और पूरा आपको जब तक टारगेट नहीं आएगा तब तक मैं आपको फॉलोअप देता रहूंगा, और कमेंट सेक्शन भी अपने वहां पे ऑन है ताकि आपको हर ट्रेड के पीछे अगर कुछ भी डाउट हो तो वहां पे पूछ सकते हो। तो प्रीमियम टेलीग्राम चैनल का मैंने यहाँ पे पिन मैसेज में जाके आप क्लिक करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपने देते रहते हैं। तो अभी मैं आपको चार स्टॉक बताऊंगा, उसमें पहला स्टॉक का नाम रहेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक को आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा। तो यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, और एक मिनट, यहाँ पे देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम देख सकते हो, बंधन बैंक स्टॉक का नाम है। तो बाय करने का रीजन क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो रेसिस्टम बिकम सपोर्टेड, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 52 EDF से। तो तीन कंफर्मेशन अपने को मिल रहा है, पहला है रेसिस्टम बिकम सपोर्ट, यानी कि स्टॉक ऊपर गया उसके बाद रिजेक्शन आया, तो ये आप अपने मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट कैंडल बोल सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने एग्जिट कहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे जो उसका डिमांड जोन बन गया था वहां पे सपोर्ट लिया, और ये सपोर्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी स्टॉक गया है। तो पहला रीजन ये हो गया, मैं थोड़ा चार्ट आपको थोड़ा जूम करके बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। अभी दूसरा रीजन अपना कौन सा है बाय करने का, आप ध्यान से देखोगे तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, यहाँ पे देखोगे तो एक बार सपोर्ट आ रहा है, यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट है, और स्टॉक ने यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और ये डोजी कैंडल रिवर्सल का साइन होता है, वहां से स्टॉक ने ऊपर भी गया है। तो दूसरा रीजन, और तीसरा रीजन है बाय एंड डिप विथ एडीएक्स। तो बाय एंड डिप विथ एडीएक्स होता क्या, अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना अच्छे से काम करता है। तो बाय ऑन डिप विथ एडीएक्स में एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर होनी चाहिए, विलियम्स आर की वैल्यू -80 होनी चाहिए, या तो जस्ट आके जानी चाहिए, तो एक कैंडल पे उसकी वैल्यू -80 के आसपास आई थी। यानी कि ये सेटअप क्या बता रहा है, ये सेटअप अपने को बता रहा है कि स्टॉक मैक्सिमम यहाँ तक ही गिर सकता है, और सेम ऐसा ही हुआ। यहाँ पे थे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल गया, यहाँ पे उसको डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल गया, और आज देखोगे तो स्टॉक ने रिवर्सल का सिग्नल भी दे दिया। तो अभी स्टॉक में आपका कॉल ऑलरेडी एक्टिव हो चुका है, तो अभी आपको इसमें कंडीशनल बाइंग करने के वेट करने की जरूरत नहीं है। अभी सीएमपी कितना है बंधन बैंक का, 261.65 है, तो कल आपको ओपन प्राइस पे बाय करना है। 254 का स्टॉप लॉस लगा के 272 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं। तो ये अपना पहला स्टॉक होगा जो आपको बाय करने का ट्राई करना है ओपन प्राइस पे, लेकिन आपको स्टॉप लॉस लेवल पता होना चाहिए, और स्टॉप लॉस हो जाता है तो वहां से आपको एग्जिट करना है। तो ये अपना पहला स्टॉक हो गया गाइज। अभी मैं आपको सेम कार्बन कॉपी वाला एक स्टॉक दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैटर्न कितना अच्छे से काम करता है। उषा मार्टिन का मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो आपको स्टॉक को बाय करने की जरूरत नहीं है, अपने यहाँ पे कहीं बाय बोला ही था पहले, 230 या 235 के आसपास बाय बोला था,
और वहां से स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कट आपको यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा था, रिजेक्शन दिख रहा था, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे। उसके बाद जब जब स्टॉक आता है ये रेंज में तो वहां से बाउंस बैक आता है, और यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू, मैंने आपको बोला था कि बायोएनटेक विद एडीएक्स कितना अच्छे से काम करता है, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, यहाँ पे देखो विलियम सर की वैल्यू -80 आई, यानी कहीं ना कहीं ये स्टॉक का ये सेटअप क्या बता रहा था कि स्टॉक का लास्ट स्विंग है और स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी है। और सेम ऐसा ही हुआ, यहाँ से देखो स्टॉक ने 235 वाला स्टॉक आज 290 के ऊपर भी चला गया था। तो आपको इसके लिए इतना टाइम देना पड़ता है, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी कैंडल है, 3, 3, 6, 3, 9, 10, 11, 12, 12 दिन लग गए स्टॉक को ऊपर जाने में। लेकिन अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा मिल जाता है तो उसको जितना हो सके उतना होल्ड रखोगे और ट्रेल स्टॉप लॉस करके जाओगे तो उसमें से आप मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकते हो। बहुत सारे लोग में पेशेंस होता है नहीं, 235 वाला स्टॉक जैसे ही 240 से 45 चला जाता है वहां पे प्रॉफिट बुक करके बैठ जाते हैं, फिर अभी देखते हैं कि अरे स्टॉक बहुत अच्छा था, 290 हो गया, होल्ड करके रखा होता तो अच्छा रहता। तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको चेंज करने की जरूरत है। जो प्रीमियम मेंबर है वो लोग ऑलरेडी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज करके बैठे हैं और उनको मैं गाइडेंस देता रहता हूँ, तो आपको भी अगर चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यही है, आपको अगर कोई फॉलोअप के बाद कोई होगा गाइडेंस देने वाला तो आप मार्केट में लंबे टिके रहोगे। तो अपना पहला स्टॉक बंधन बैंक हो गया। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है लेमन ट्री। लेमन ट्री आपको बाय करना है, उसके पीछे का मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। तो गाइज मैं बार बार प्रीमियम टेलीग्राम चैनल आपको बता रहा हूँ, तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको वो ज्वाइन करना ही करना है। अगर आप रेगुलरली अपने यूट्यूब के वीडियो देखोगे तो भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देखोगे तो सेम पैटर्न दे रहा हूँ अपने जो पहले दे रहा था, उसमें कुछ चेंजेस नहीं किया। तो आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप रेगुलरली यूट्यूब के वीडियो देखना है, सिर्फ आपको दिन के 10 मिनट देने हैं, वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना, सिर्फ 10 मिनट आपको दिन के इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप 10 मिनट देते हो तो कुछ ना कुछ रोज ना रोज नए नए सीखते रहोगे, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको प्रीमियम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही करना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो अपने डेली चार्ट के ऊपर स्टॉक का नाम है लेमन ट्री। बाय करने का रीजन कौन सा, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, बाय एंड विद एडीएक्स है। तो यहाँ पे क्लियर कट आपको क्या दिख रहा है, बाय एंड विद एडीएक्स वाला जो वीडियो आप देखोगे जो है वो स्ट्रेटेजी का, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये सेटअप बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है यहाँ पे भी, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और आज देखोगे तो कल ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया था और आज सपोर्ट के ऊपर गया, यानी कि आपका रिवर्सल कंफर्मेशन हो गया है। जब भी आप कोई भी स्विंग का रिवर्सल का कंफर्मेशन का वेट करोगे तो वहां पे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसीलिए कभी भी कोई स्टॉक गिरता है तो आपको सीधा बाय नहीं करना, उसको देखना है कि कहाँ पे पॉज ले रहा है और कहाँ से रिवर्सल आ रहा है, वहां पे अपने बाय करेंगे। भले स्टॉक थोड़ा 1% महंगा मिलेगा आपको, लेकिन आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और वहां पे स्टॉप लॉस होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो लेमन ट्री में अपने को रिवर्सल का सिग्नल मिल चुका है, तो अभी 93 है, तो कल आपको ओपन प्राइस पे ही बाय करना है और आपका जो कल का जो स्टॉप लॉस था वो लो था कैंडल का, वो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। 91.5 पे स्टॉप लॉस लगाना है। 98 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एडीएक्स की वैल्यू 25 के ऊपर है, विलियम सार की वैल्यू -80 आई, तो यहाँ से अपने को पता चल गया कि स्टॉक यहाँ तक ही गिर सकता है और यहाँ पे उसको ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो ये स्टॉक को बाय करना है, स्टॉक का नाम है लेमन ट्री, ओपन प्राइस पे कल बाय करना है। अभी मैं आपको तीसरा स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है एसकेएम एग प्रोडक्शन, एग प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, ऐसा स्टॉक का नाम है। एसकेएम एग लिखोगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा लो वॉल्यूम में ट्रेड करता है, लेकिन आपको ट्रेड करने को मिल जाएगा डेली चार्ट के ऊपर। स्टॉक का नाम है एसकेएम एग प्रोडक्ट। तो यहाँ पे बाय करने का रीजन सिंपल सा है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट है। यहाँ पे देखोगे तो क्लियर कर आपको यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा था, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, इसको आप ब्रेकआउट कैंडल बोलोगे, इसको आप रिटेस्ट कैंडल बोलोगे। तो अभी आपको बाय नहीं करना, क्योंकि अपने को पता नहीं कि सही में ब्रेकआउट सही वाला है कि नहीं है, इसलिए अपने क्या करेंगे रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट मिल गया है तो अभी इसके हाई के ऊपर अपने बाय करेंगे और स्टॉक में ऊपर की साइड अच्छी रैली आ सकती है। अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्टॉक बैक टू बैक गिरता रहेगा और अपने फॉल्स ट्रेडिंग से भी बच सकते हैं, इसलिए ऑलवेज आपको रिवर्सल का वेट करना है। तो अभी सीएमपी 224 के आसपास है, तो आपको 232 के ऊपर स्टॉक को बाय करना है और 232 यानी कि कल स्टॉक का हाई 232.1 होना चाहिए, यानी कि 10 पैसा ऊपर जाना चाहिए। 221 का स्टॉप लॉस लगाना है, 260 का टारगेट 1 से 10 दिन में, लेकिन आपको 1 से 10 दिन मार्केट को देने पड़ेंगे। जितना पेशेंसली वेट करोगे तो आपको मार्केट कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपको बाय करना है, लेकिन इसके ऊपर ही बाय करना है। अगर पहले लो ब्रेक कर देता है 221 के नीचे, तो आपको क्या करना है, स्टॉक को बाय नहीं करना है, इनवैलिड सेटअप हो जाएगा, वो आपको ध्यान में रखना है। अभी मैं आपको चौथा और आखिरी स्टॉक बताऊंगा जिसका नाम है शक्ति पंप। शक्ति पंप को आपको बाय करना है 2 घंटे के कैंडल के ऊपर, एनालिसिस करेंगे। स्टॉक का नाम है शक्ति पंप। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट आपको क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है, तो अभी स्टॉक को आपको बाय करना है क्योंकि आपका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो अभी आपको इसमें रिवर्सल का वेट नहीं करना, कंफर्मेशन का वेट नहीं करना, तो आपको बाय करना है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट होता क्या है, तो एक ट्रेंड लाइन अपने जाती है, यानी कि अप ट्रेंड लाइन बोल सकते हो, अप ट्रेंड में जा रही है, और एक डाउन ट्रेंड लाइन, दोनों जब भी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे उसका ट्रायंगल जैसा बन रहा है। स्टॉक का पहले क्या होता था, ऐसे देखोगे तो वाइड रेंज थी, धीरे धीरे नैरो हो रही थी। अभी स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो वो नॉर्मली ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्लियर कट एक कैंडल ने ब्रेकआउट दे चुका है और अभी अच्छे से क्लोज भी ऊपर दिया है। तो अभी आपको करना क्या है, कल यहाँ पे बाय नहीं करना क्योंकि आपका स्टॉप लॉस तो अभी फिक्स रहेगा ये वाला, लेकिन आपको थोड़ा महंगे में मिल रहा है, तो अगर कल ओपन प्राइस में पूरे दिन में थोड़ी सी भी रेड कैंडल बनती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वहां से रिवर्सल आने के ऊपर के साइड जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अभी CNP कितना है, 596 के आसपास क्लोज दिया है, तो आपको कल स्टॉक को 592 पे ही बाय करना है। अगर मिस हो जाता है तो जाने देना है, लेकिन अपने को जितना हो सके उतना रिस्क रिवॉर्ड मैच करना है। तो 582 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ₹10 का स्टॉप लॉस रहेगा, 620 का टारगेट 1 से 3 दिन में स्टॉक दिखा सकता है मोमेंटम स्टॉक के, तो आराम से मे बी होपफुली कल ही टारगेट आ जाए 620 के, लेकिन आपको 592 पे ही बाय करना है। तो अपना चौथा और आखिरी स्टॉक हो गया शक्ति पंप, जो 2 घंटे की कैंडल के ऊपर अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट का स्टॉक है। तो गाइज मैंने आपको टोटल 4 स्टॉक बताया। पहला स्टॉक का नाम है बंधन बैंक, जो डेली चार्ट पे एनालिसिस किया। दूसरा स्टॉक है लेमन ट्री, जो रिवर्सल दे चुका है, तो आपको क्या करना है, ओपन प्राइस पे बाय करना है। SKM एक प्रोडक्ट स्टॉक का नाम है, जो आपको ब्रेकआउट एंड रिटेस लेकिन रिवर्सल का वेट करना है। और शक्ति पंप को ओपन प्राइस पे, मतलब सॉरी गिरावट पे थोड़ा बाय करना है। तो गाइज आज की वीडियो में इतने था, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना। आज के वीडियो का लाइक का टारगेट है अपना 100 का, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके इतना टारगेट अचीव करा लेना गाइज। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए वीडियो में, बाय, टेक केयर।